हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हरिक और आप देख रहे हो एरिक प्रोडक्शन। सो गाइस, पिछली क्लास में मैंने जाना था कि नोट्स को किस तरीके से अरेंज करते हैं, तो आई होप आपने वो वीडियो देखा हो। अगर नहीं देखा तो कार्ड पर लिंक है ऊपर, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिट, कि 8 बिट, 12 बिट एंड 16 बिट क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है और इस बिट का क्या रोल है कलर ग्रेडिंग में। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक दो वीडियो मैं ऐसी बनाऊंगा जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बिट है उसका क्या रोल होता है, और जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कलर ग्रेडिंग में आपको कलर ग्रेडिंग करने से पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा और कलर ग्रेडिंग हमारी उतनी बेटर नहीं हो पाएगी। तो मैंने आपके लिए कुछ दिखाने के लिए कुछ रखा हुआ है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि क्या है। चलो हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास एक ये डायग्राम पड़ा है, आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर है 8 बिट, 10 बिट एंड 12 बिट का मेरे पास डायग्राम। ओके, तो क्या है कि जो आप देख पा रहे हो 8 बिट की बात करते हैं, 8 बिट में जो ये रेड चैनल है, मतलब कि इसका मतलब है कि जो रेड चैनल है उसके अंदर 256 शेड्स हैं पर चैनल, मतलब कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू तीनों चैनल में 256 शेड्स हैं। शेड्स का मतलब यह है कि 256 कलर पॉसिबल है पर एक चैनल में, और टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पर कि रेड में 256, ग्रीन में 256, ब्लू में 256 और नीचे जो नंबर है ये 16777216 पॉसिबल कलर, मतलब इतने कलर पॉसिबल हैं 8 बिट में। और 10 बिट में है पर चैनल 1024 पर चैनल, ओके, 1024 ग्रीन, 1024 ब्लू और पॉसिबल कलर है 8 2 4। तो इतने कलर जो है पॉसिबल हैं 10 बिट की फुटेज में। और 12 बिट में आते हैं हमारे 4096 पर चैनल, 4096 पर चैनल और 68 बिलियंस ऑफ कलर, मतलब कि 68 बिलियन ऑफ कलर पॉसिबल हैं हमारे 12 बिट की फुटेज में। और 16 बिट में अगर बात करें तो वो ट्रिलियंस में चला जाता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं 8 बिट को लेता हूँ। 8 बिट का मेरे पास एक, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पर चैनल जो शेड्स है वो क्या है। ये मेरे पास एक इमेज है, ओके, आप कोई भी इमेज ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो मोड है वो है, मैंने 8 बिट चैनल सेलेक्ट किया हुआ है, ओके, और मेरे पास ये 8 बिट की फुटेज है। तो मैं इस फुटेज को यहाँ पे जूम करता हूँ, तो आप देखोगे ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये है पर चैनल की, मतलब कि एक चैनल के 256 शेड्स है। तो ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये है चैनल कि एक चैनल के 256 शेड्स है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि पर चैनल क्या होता है। एज अ मैंने आपको बिल्कुल डीप इन्फॉर्मेशन बताई है कि किस तरीके से शेड्स का काम आता है, कि एक चैनल के अंदर अगर शेड्स होंगे ज़्यादा, और ज़्यादा कैसे होंगे, अगर वो बिट ज़्यादा है, और उससे ही हम कलर ग्रेडिंग कर पाएंगे। अब कलर ग्रेडिंग में से क्या हेल्प मिलती है कि ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं 8 बिट और 12 बिट की फुटेज और 16 बिट की फुटेज को एडिट करूंगा। नॉर्मल जो DSLR कैमरा है उसके अंदर नॉर्मल जो मिलता है हमें स्टार्टिंग जो होती है वो 8 बिट तक होती है, और अगर जैसे जैसे अपग्रेड होती है चीज़ें, कोई कोई कैमरा 10 बिट भी है और 16 बिट तक भी है। 16 बिट की बात करें तो वो सिनेमा कैमरा में चला जाता है, उस कैमरा में जो है 16 बिट की फुटेज हमको मिलती है। जितनी ज़्यादा बिट उतनी ज़्यादा कलर इन्फॉर्मेशन, और जितनी ज़्यादा कलर इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतने ही बेटर कलर हम कर पाएंगे हर चीज़ पे। प्रॉब्लम होती है जब अगर 8 बिट की फुटेज पर अगर हम कलर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, होती है कि उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो वो क्या होता है, अगर हम रेड को पर्टिकुलर छेड़ेंगे तो उसको पता नहीं चलता है कि रेड को किस तरीके से, मतलब रेड को रेड करेंगे पर उसके साथ साथ दूसरे चैनल्स भी ग्रेडेड हो जाते हैं। ये हम आगे जानेंगे प्रॉब्लम जो होती है, और इसमें डिपेंड करता है कि जो आपकी स्क्रीन्स हैं वो भी डिपेंड करती है कि आपकी जो स्क्रीन है, जो मॉनिटर्स हैं वो 8 बिट के हैं, 10 बिट के हैं, 16 बिट के हैं। तो मॉनिटर पे भी ये बात डिपेंड करती है। नॉर्मली जो लोग यूट्यूब पे या नॉर्मली जो वर्क करते हैं वो 8 बिट पे ही करते हैं। तो 16 बिट अगर होगा तो उसमें ज़्यादा कुछ पॉसिबल है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं कट करता हूँ। आपको यहाँ पर एक डायग्राम और दिख रहा होगा, एक कुछ नंबर्स। तो ये क्या है, एक बिट आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये एक बिट है। एक बिट में होता है ब्लैक एंड वाइट पार्ट, और कलर जो पॉसिबल होते हैं टू होते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट, ओके। टू बिट में जाते हैं तो 4 कलर मिलते हैं हमको, और 3 बिट में जाते हैं तो 8 कलर मिलते हैं, ओके। ऐसे ही अगर जैसे जैसे बिट हम बढ़ाते जाएंगे वैसे ही कलर शेड्स हमको मिलती जाएंगी पर चैनल में, ओके, पर चैनल में। तो यहाँ पर अगर 8 बिट की बात करें आप देखोगे तो नीचे आ गया 256 कलर्स, और 16 बिट में आ गए 32768 कलर्स, और 16 बिट में
इतने आगे ओके। तो मतलब कि जितना ज्यादा बिट होगा उतना ज्यादा कलर इन्फॉर्मेशन होगा, और जितना ज्यादा कलर इन्फॉर्मेशन होगा होगा एक कलरिस्ट उस पर उतना ही बेटर कलर कर पाएगा। इसलिए जो हम कहते हैं जो लोग रॉ फाइल जो होती है उसमें बिट का खेल होता है कि सारा बिट होती है, कलर इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो वो पर्टिकुलर हम कलर पे काम कर पाते हैं, तो उससे हमारी ग्रेडिंग जो होती है बहुत बेस्ट होती है और आउटपुट जो होता है वही बहुत बेस्ट निकल के आता है। डिपेंड करता है आपका स्क्रीन भी अच्छी होनी चाहिए मॉनिटर के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं अगर कभी कलर ग्रेडिंग करता हूँ तो डार्क रूम करके करता हूँ ताकि कोई भी रिफ्लेक्शन किसी भी लाइट का, अगर एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, तो जब मूवीज़ देखते थिएटर देखते हैं वहाँ सारी लाइटें बंद होती हैं, तो वो बंद इसलिए होती हैं मोस्टली कहते हैं कि आप जो कलर हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दें। ऐसे नॉलेज कभी आप ट्राई करना, अगर नहीं करा हो तो एक बार देखना। तो जो मैं जो कलर ग्रेडिंग करता हूँ वो डार्क रूम करके करता हूँ, जिसको हम बोलते हैं डी आई रूम, जिसके मूवीज़ अगर करते हैं तो वहाँ डी आई रूम बोलते हैं उसको। तो डी आई रूम में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की रिफ्लेक्शन हमारी स्क्रीन पे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो हम देखेंगे वही हम कलर करेंगे। तो ये रूल है कि जो डी आई है मैं ब्लैक रूम में करता हूँ ताकि मुझे कलर इन्फॉर्मेशन पूरी दिखे, और कलर जो है कोई भी पर्टिकुलर लाइट उस पर ना पड़े ताकि मैं कलर्स को देख पाऊँ। तो आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे, तो ये आपने देखा होगा 2, 4, 8, 16, 56, तो ये है बिट्स का खेल ओके। तो यही शेड्स होती हैं पर चैनल के अंदर सारी। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है और भी जानना है, नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए, मैं आपको और डिटेल में इस पर वीडियो बनाऊंगा, बड़ी करके वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। फिलहाल ये जो हमारा कलर ग्रेडिंग का कोर्स है इसमें मैंने एक छोटा सा आपको डेमो दिया है कि ये क्या चीज़ है। बाकी और जानना है तो गूगल करिए, उस पर जाकर देखिए कि बिट का क्या खेल है और कैमरे में क्या जो है बिट का रोल है। जैसे कि मैं ये जो फोटेज अभी शूट कर रहा हूँ ये 8 बिट है ठीक है, मैं 8 बिट की फुटेज पर काम कर रहा हूँ। तो सेम है कि जैसे जैसे आप जाओगे बिट के हिसाब से कैमरे जो है वो सेल होते हैं कि हाँ भाई इतनी बिट है या इतनी बिट है कलर ग्रेडिंग के लिए। आई होप गाइस कि आपको टोटल बहुत समझ में आया हो कि बिट का क्या रोल है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं थोड़ा सा और जानेंगे कि देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आती है। तो अभी हम एक दो वीडियो के बाद कलर ग्रेडिंग करेंगे, और वो इसलिए करेंगे कि जब हमको पता होगा बेसिकली कि जो कलर करने के लिए वो किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कलर करने के लिए क्या पैटर्न जो है वो यूज़ होता है, उसके बाद ही अपने कलर ग्रेडिंग जो अच्छी कर पाओगे। ऐसे नहीं कि फोटेज उठाई और डाला कलर मारा सैचुरेशन मारा कंट्रास्ट मारा, ऐसे नहीं करना आपको। ऐसे करोगे तो वो वही है नहीं कर पाओगे, अगर स्कूप्स को नहीं देखोगे रीड नहीं करोगे स्कूप्स को ढंग से तब भी कलर नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वरना वो कलर का जो एक्यूरेट जो रिजल्ट है जो डिटेलिंग है वो नहीं आपको मिलेगी जो आपको चाहिए। बाकी थीम के हिसाब से भी कलर होते हैं कि जैसे एग्रेशन, अगर मूवी में एग्रेशन फील है तो हम लोग थोड़ा वार्म कलर लेते हैं, अगर थोड़ा सा रोमांटिक सीन है तो ब्लूइश फील हमको मिलती है, ब्लूइश कलर को जो है वो जो ब्लू कलर है वो रोमांटिक या लव को दर्शाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो में लेके आऊँगा, आगे आपको बताऊँगा कि कलर थीम जो है वो फिल्म से पहले कैसे डिसाइड होती है सीन की, क्योंकि जो कलर ग्रेडिंग में जो थीम है वही ऑडियंस से कनेक्ट करती है, सॉरी जो कलर ग्रेडिंग की जो थीम है, जो कलर ग्रेडिंग है जैसा जो भी सीन है रोमांटिक या फिर एग्रेशन सीन है या फिर कोई फाइट का सीन है, या डिपेंड करता है मूवी कौन सी है, ड्रामा है, एक्शन मूवी है, रोमांटिक मूवी है, तो ये सारे जो कलर्स होते हैं ये पहले ही डिसाइड हो जाते हैं कि वीडियो में जो डीआई है कलर ग्रेडिंग है वो किस तरीके से होने वाली है, तभी वो ऑडियंस उस चीज़ को कनेक्ट कर पाती है अपने आप से कि ये एक फील है। हम जब वीडियो देखते हैं तो एक फील होता है कि ऑडियंस जो कनेक्ट कर, इसलिए जो है वो कलर ग्रेडिंग का बहुत बड़ा रोल है हर एक फुटेज में। ऐसे इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको वो जाननी है तो आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो धीरे धीरे लेके आऊंगा, वीडियो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, आपको सिर्फ एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि एक टेक्निक जो है वो क्या होती है। तो आई होप गाइस कि आपको ये 8 बिट 12 बिट 16 बिट आपको समझ में आया हो कि इसका क्या रोल होता है कलर ग्रेडिंग में, और इससे किस तरीके से कलर ग्रेडिंग हम कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, और गाइस मुझे को सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँ और डिटेलिंग में, और आपको डीप में नॉलेज हो उस तरह की वीडियो लेके आऊँ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अगर वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट करके भी बताना, और जैसा भी हो आप प्रैक्टिस करना एक बार इस रूल्स को फॉलो करके, थोड़ा माइंड में जितना नॉलेज होगा उतना ज़्यादा वीडियो कर पाओगे। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।